स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पर। जैसे कि आप देख रहे हैं, आइए हम लोग होस्टल वायरिंग का सर्किट डायग्राम बनाने के लिए सीखते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि मैं आपको बताता हूं, आप बने रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है जिससे कि आपको सब चीज़ समझ में आएगा। सबसे पहले हम लोग बनाते हैं बल्ब का सिम्बॉल। ये देखिए, हमारे इलेक्ट्रिकल में बल्ब का सिम्बॉल हम ऐसे बनाते हैं। तो हम सबसे पहले तीन बल्ब का सिम्बॉल बनाएंगे। ये देखिए, ये मैंने तीन बल्ब का सिंबल बना लिया। ये तीन बल्ब का सिंबल मेरा रेडी है। अब बल्ब का सिंबल बनाने के बाद अब हम बनाएंगे स्विच। तो इसमें जैसे कि स्विच लेते हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे सिंगल वे स्विच। ये देखिए, ये मैं स्विच बना रहा हूँ, एक सिंगल वे स्विच। उसके बाद तीन ठो टू वे स्विच लेंगे। तो सबसे पहले टू वे स्विच को जब आप पलट के देखेंगे पीछे, तो आपको उसमें तीन ठो नट नज़र आएगा। अभी मैं आपको टू वे स्विच भी दिखाऊंगा। तो ये जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं तीन टू वे स्विच बना रहा हूं। आप बिल्कुल बने रहिए, मैं बहुत ही आसान तरीका से आपको सर्किट बनाने सिखाऊंगा, आप कभी नहीं भूलेंगे। ये मेरा तीन ठो टू वे स्विच बन के कम्प्लीट है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा टू वे स्विच दिखा दूं कि टू वे स्विच कैसा होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, टू वे स्विच में पीछे की ओर एक दो तीन नट लगे रहते हैं और फ्रंट में कुछ इस तरह दिखता है। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा। और ये देखिए, सिंगल वे स्विच में क्या अंतर है, इसमें आपको पीछे की ओर दो ही नट लगे रहते हैं और सामने कोई विशेष नहीं है, मगर टू वे स्विच में ये है। तो आइए टू वे स्विच को ऐसे पीछे देखेंगे, आपको तीन नट दिखेगा, यहाँ पे दिख रहा है। आइए हम लोग वायरिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फेज देखते हैं। फेज सबसे पहले आप क्या करेंगे, तीनों टू वे स्विच को ऊपर से शॉर्ट करेंगे। ये देखिए, मैंने ऐसे शॉर्ट किया ऊपर से। ऊपर से शॉर्ट करने के बाद नीचे से भी शॉर्ट करेंगे। ये देखिए, मैंने नीचे से शॉर्ट किया। एक वायर लेंगे और आप ऐसे शॉर्ट करेंगे, और एक और वायर लेंगे जो यहाँ से लेके यहाँ पे आप शॉर्ट करेंगे, और यहाँ से इसको फेज जो है वो इनपुट होगा। यहाँ से ऐसे हो गया। अब आप देखिए, ये कनेक्शन यहाँ से उठा के आप यहाँ दे देंगे बल्ब का। सबसे पहले आप यहाँ से लाएंगे, यहाँ से लाने के बाद ऐसे यहाँ पे वायर जंप कराते हैं, आपको पता ही है, मैंने आपको हर वीडियो में बताता हूँ। ये इसका यहाँ पे दूसरा, ये देखिए मैं कैसे सर्किट बना रहा हूँ, आप बिल्कुल गौर से देखिए। और ये लास्ट वाला यहाँ पे, ये मेरा फेज का कार्यक्रम करीब करीब हो गया। अब मैं आपको न्यूट्रल के दिखाता हूँ कि न्यूट्रल को कैसे करेंगे। ये देखिए, न्यूट्रल मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ। ये देखिए, और ये लास्ट न्यूट्रल मेरा यहाँ चला गया, और यहाँ से आके मेरा इनपुट में, ये देखिए, ये मेरा कंप्लीट हो गया है। ये जो सर्किट डायग्राम है, ये करीब करीब कंप्लीट हो गया है। अब आप चाहें तो नाम दे सकते हैं, इसका आप नाम दे दीजिए। ये आपका रूम वन में मान लीजिए ये स्विच है, ये हो गया आपका रूम वन, ये हो गया आपका रूम टू, क्योंकि हॉस्टल में बहुत सारे रूम होते हैं। और ये जो स्विच है, ये मान लेते हैं रूम थ्री में है। अब मैं आपको थोड़ा सा फंक्शन करके दिखाता हूँ। और ये जो है, ये है आपका मास्टर स्विच। मास्टर स्विच जो है, थोड़ा सा इसको जूम करो, ये जो है आपका मास्टर स्विच। ये मास्टर स्विच होता है आपका वार्डन रूम में, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, मास्टर स्विच। ये देखिए, ये हो गया आपका मास्टर स्विच। तो अब ये ऑपरेट कैसे करेगा, मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये टू वे स्विच जो है, ये टू वे स्विच जो है आपका, इसमें क्या है, ये टू वे स्विच जो है, ये देखिए, सारे कंडीशन में ये जितने भी सारे हैं, सबको आप बिल्कुल ऐसे ऑफ की तरह रखिएगा। लड़का लोग क्या करता है, एक स्विच को ऐसे रख दिया, दूसरा वाला को ऐसे रख दिया, तो फिर इसको ऑपरेट करने में दिक्कत होता है। तो आप सारे स्विच को ऐसे देखिए, ये आपका स्विच सीधा है, आप सारे स्विच को ऐसे ऊपर की ओर, ऐसे ऊपर की ओर, और ऐसे ऊपर की ओर, ठीक है।
और ये जो है ये सिंगल वे स्विच है। ये सिंगल वे स्विच मान लीजिए ये वार्डन रूम में है, अगर यदि ये शुरुआत में ऑफ कंडीशन में है, ये देखिए अभी मैंने ऑफ़ किया हुआ है, ये ऑफ़ कंडीशन में है, तो लड़का लोग क्या करेगा, आराम से इसको ऑन ऑफ़ कर सकता है। कैसे कर सकता है, ये देखिए न्यूट्रल तो सारा जगह पहुंचा हुआ है। मान लीजिए हम ये रूम वन का बल्ब लड़का अगर भी जलाना चाहेगा तो ये जो स्विच है ऐसे ही जिसको ही ये ऑन करेगा। जैसे जैसे ही ऑन किया, देखिए फेज यहाँ पर है तो इसको यहाँ फेज पहुँच गया, यहाँ फेज पहुँच गया, ये देखिए इधर से होते हुए इधर से फेज, इधर से न्यूट्रल, मतलब आपका ये लैंप वन जल गया। अब इसको ऑफ़ करना चाहेगा तो इसको ऊपर की ओर कर देगा, नीचे कट जाएगा, तो नीचे कट जाएगा तो ये बल्ब ऑफ़ हो जाएगा। आप इसका नाम दे सकते हैं L2, इसका नाम दे सकते हैं L3। अब देखिए सारा खेल इस स्विच का है। अगर ये जो स्विच है ये वार्डन रूम में रहता है, अगर वार्डन चाह लेगा कि नहीं शाम को 6 बजे से लेकर 9 बजे तक कोई भी रूम का लाइट ऑफ़ नहीं होना चाहिए, तो वो क्या करेगा, इस स्विच को ऑन कर देगा। अगर ये स्विच को ऑन कर दिया तो ये देखिए फेज यहाँ से होते हुए ये अगर दी ऑन हो गया तो ये यहाँ चला जाएगा, सट जाएगा, ये तो ऊपर सारा में फेज पहुँच जाएगा और नीचे भी फेज पहुँच जाएगा। अब कोई भी लड़का अगर दी इस स्विच को ऑफ़ करेगा तो ये देखिए फेज उसको कैसे मिलेगा, अगर दी ऑफ़ कर दिया तो यहाँ से तो कट हो जाएगा, लेकिन यहाँ से ऐसे होते हुए ऊपर भी यहाँ फेज है और ऐसे होते हुए ये देखिए इधर से भी मिल गया, फिर से बॉल देने लगेगा। मतलब आप इसको चाह के भी इस कनेक्शन को ऑफ़ नहीं कर सकते जब तक ये स्विच को ऑफ़ नहीं किया जाए। तो ये कुछ इसका सिस्टम है, आप आराम से देख लीजिए, बहुत ही आसान भाषा में मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है। अगर यदि आपको इसका प्रैक्टिकल चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इसका प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।